दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड 19 नवंबर के लिए क्या होगा। डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन बनानी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से बनाएं। मेरा मार्केट के प्रति ज्योतिष के अनुसार क्या भी हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि बताते आता हूँ। अभी इसमें भी लोग भागों को ये परेशानी है कि भाई जब आप ज्योतिष के उससे बता रहे हो फाइनेंशियल से बनानी है तो आपका क्यों देखें, वो आपकी इच्छा है नहीं देखना तो मैं तो नहीं बोलता देखो भाई, ये तो इच्छा है ना आपकी। अभी मैं करीब करीब 5 वीक हो गए, 5 वीक से आप बताओ कितनी बार गलत निकला है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि 40 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल सकता है, उस टाइम जो आज पुट खरीदी है आप लोग निकल जाना, मार्केट ऊपर का है। फिर भी मैं डालते डालते करीब 2 मिनट बाद 9:17 पर मैंने डाला था मैं पुट है तो निकल जाना, मार्केट ऊपर का ही है, ठीक है। और हमने प्रीमियम ग्रुप में अपने में जो बैंक निफ्टी की कॉल खरीदवाई थी 270 पर खरीदवाई, वो कॉल 540 तक गई है, ठीक है। तो हमें पता है धीरे धीरे आराम से, कोई तसल्ली नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस एक बार बोल दिया ले लो, ये भी नहीं स्टॉप लॉस लगा दो, ये कर दो, कुछ नहीं, आराम से बिंदास काम करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल के लिए मार्केट का व्यू क्या है। देखो पिछली बृहस्पतिवार को मेरा जितने भी वीडियो है 5 वीक में उसमें गलत हुआ था, मैंने पॉजिटिव बोला था, मार्केट गैप डाउन हुआ था। तो कारण यही है कि जो मेरी दिल की आंतरिक भावना ये है कि मैं बृहस्पतिवार को नहीं बताऊं, कारण ये है कि छोटी पोजीशन बनती है, जीरो होता है, उसमें लॉस आप लोगों का बहुत ज्यादा होता है, तो किसी न किसी कारण बस बाद में मैंने देखा तो मेरी मिस्टेक थी जिस कारण से वो हुआ। वैसे तो मैं 3-3 बार चेक करता हूं तो वो गलत हुआ था, इसलिए मैं ये बृहस्पतिवार है, मैं एक्चुअल जो बता चुका हूं ट्रेंड वही है, ठीक है। लेकिन इतना हो सकता है कि 10-20 पॉइंट बृहस्पतिवार को क्या कर रहे हैं, वहीं खोल के ऊपर नीचे करते हैं मार्केट को, जो प्रीमियम होता है उसको गलाते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो तुम वीक में कमाते हो वो बृहस्पतिवार को दे देते हो इसको, मैक्सिमम आदमी जो वीक में प्रॉफिट में रहते हैं वो बृहस्पतिवार को दे देते हैं, या तो हम मतलब इन दी मनी से और बैक में काम करें, ठीक है, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल पुट लेके जो भी आप ऑप्शन में काम करते हो वो काम करो। देखो मैं कल बोल रहा था कि ये जो है आप लोगों को रुला देगा, आज आप निफ्टी देखा कहां पहुंच गया, मतलब करीब करीब 13,000 के नजदीक पहुंच चुका है, जैसा हमने बताया था तकरीबन उसी हिसाब से है। और अभी थोड़े दिन मार्केट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहो। इसके बाद मेरे पास इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आए और वॉइस मैसेज भी डाले, सर यहां पे निफ्टी को शॉर्ट कर दें। जब निफ्टी 12,920 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था उस टाइम बोल रहे थे कि सर शॉर्ट करें, मैं बोला भाई क्यों करना शॉर्ट, शॉर्ट मत करो, हो सकता है प्रोबेबिलिटी 5% ये है कि आज बुधवार है, हर बुधवार को मार्केट 2:30-3 बजे नीचे चला जाता है, लेकिन हम लोग जहां बैठे हुए हैं मतलब हायर हाई बना रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिस्क लेना ठीक नहीं है, मतलब मैंने कम से कम नहीं तो 50-100 आदमी को जो मेरे पास आते हैं मैसेज करके, मैं सबको यही बोला भाई मत करो, और लास्ट में वही हुआ मार्केट ऊपर चला गया। उसमें से भी इतना मना करने के बाद 2-3 आदमी ने फिर भी पुट खरीद ली, बोला सर पुट ले ली। अब मैं क्या बोलू उनको, अच्छाई यही है कि अगली एक्सपायरी की है, पर क्या पता। तो यही है, अभी देखो कल की बात लो, जो डाटा सीट में देख रहा था वो डाटा सीट के अंदर मैक्सिमम आदमी पुट खरीद के गया था कल, पुट और फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं उन्होंने लंबे, मतलब 83,000 जो पोजीशन है वो हमारे क्लाइंट की नेगेटिव थी और 35,000 के करीब प्रो की पॉजिटिव थी और 28,000 एफआईआई की पॉजिटिव थी। आप ये देखो अब मार्केट कहाँ गया है,
पूरा पैसा एफआईआई लेके जा रहा है मेरी समझ से तो मार्केट में, जो उनका होता है जैसे वो करके जाते हैं उसी हिसाब से चलाते हैं। तो मैं सुबह से बोला हुआ था कि जब मार्केट नीचे जाए तो खरीदो। आज गलती ये हुई है कि हमने जो ये फ्री चैनल है उस पर नहीं बताया था, थोड़ा आज ऐसे ही कुछ फंक्शन टाइप था, थोड़ा सा मैं भी उसमें बिजी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, ये मेरी गलती है। ठीक है, दूसरा, हमारे प्रीमियम में भी कुछ मेंबरों ने काम नहीं किया। अब देखो जिस दिन प्रॉफिट होती है वो काम नहीं कर पाते, इसी को हम लोग बोलते हैं भाग्य बोलो, कुंडली बोलो, या जो मैच नहीं होता या जिसकी किस्मत में नहीं होता प्रॉफिट आने वाला, किसी न किसी कारण बस कोई न कोई काम लग ही जाता है उसको। ठीक है, फोर्थ मेरा पॉइंट था कि जो रिलायंस है ना, जैसे नेगेटिव चल रही है, आने वाले समय में ये 200-250 पॉइंट आराम से बढ़ेगी और हो सकता है नेक्स्ट वीक में बढ़े। मतलब ये मेरा सोचना है, मेरा सोचना ये है कि ये रिलायंस को जब 13,000 के ऊपर निफ्टी को उठाएंगे उस टाइम रिलायंस को यूज करेंगे, क्यों मार्केट में उतना बचेगा नहीं, बढ़ते बढ़ते ये जो इंडेक्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैन मैन शेयरों को चला रहे हैं ना ऊपर, तो उस टाइम रिलायंस को यूज कर सकते हैं। सभी पूछते हैं सर रिलायंस का क्या है, इसका क्या करें, क्या व्यू है आपका रिलायंस के बारे में। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे आप लोगों को कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी वीकली, टू वीकली, शॉर्ट के लिए, तो मैं वो बताऊंगा तुम लोगों को, ये यकीन से बैठो आप आराम से, मैं बताऊंगा कहां पे शॉर्ट करना है, फिर आप लोग आराम से एक महीना बैठे रहना, एक महीना आराम से बैठना, कोई ट्रेड करना मत करना आप लोग, पर अभी आप लोग मत पीछे पड़ो। जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप इसके क्यों पीछे पड़ रहे होगे, शॉर्ट कर देंगे ये हो जाएगा। मैं तो कहता हूं YouTube पे अभी जो चिल्ला रहे थे कि इतना हो जाएगा इस वीक में, हो जाएगा पिछले दो वीक से हो रहा है ना ऐसे ही कि 26,000 आ जाएगा, अभी संन्यास ले लो आप लोग। अरे क्यों यार क्लाइंट के पैसे को बर्बाद करने में लगे हुए हो भाई, इतना ही तो बोल सकते हो क्या? ठीक है मार्केट यहाँ चल रहा है 13,000, भाई इतना करेक्शन आ सकता है 100-150 पॉइंट का, ज्यादा करो तो आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने से ये होगा, बहुत से बताते हैं जस्ट टेक्निकल में कि भाई यहां से नीचे आए इस पॉइंट से तो आप शॉर्ट कर लेना, 50 पॉइंट मिल जाएंगे। कभी कभी मैं भी बोलता हूं कि ये एक मेन रेजिस्टेंस है, इस पे अगर टच करके लौटता है और नहीं क्रॉस कर पाता तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। पर मैं ये क्यों बोलूं कि भाई 13,000 चल रहा है 12,000 आ जाएगा? अरे भाई ज्योतिष में भी मेरे को पता होने से मैं नहीं बोलता, कारण कैसे ही गलत हो गया, कितने आदमी का लॉस होगा, तो ये काम मत करो। ठीक है, कि जिससे हमारे इंडियन को पूरा पैसा एफआईआई लेके जा रहा है पूरा पैसा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आदमियों के बीच में फैल सके। फैलेगा, आप लोगों को कोई गलत चीज यहाँ पर नहीं बता रहे हम के भाई ऐसा कर दो ये कर दो। मैं रोजाना ये दुआ करता हूं सभी आदमी को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक करोगे थोड़ा ज्यादा फैलेगा ये। जब मैं वीडियो बना रहा ये चीज जब मेरे को भी ध्यान आने लगी है कि लाइक कितना जरूरी है। ठीक है, पहले हम लोग मानो 10 वीडियो देखे तो 2-4 को लाइक करते थे, 6 भूल जाते, ये कॉमन गलती है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ठीक है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हर आदमी की टेंडेंसी है, पर मैं ऐसा बता रहा हूं कि इससे फायदा ये होगा, ये थोड़ा फैल जाएगा सभी आदमी को प्रॉफिट होने लगेगा, और हमारा भी काम थोड़ा परमात्मा ने चाहा उसकी अगर आशीर्वाद रहा और जो देखने वाले हैं उनकी दुआ रही तो क्या पता अच्छा हो जाए, थोड़ा पैसा हमारा लॉस कम हो सभी का। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, और थैंक यू, जय हिंद।